शराब के नशे में हाईटेंशन लाइन पर चढ़ा युवक सिविल डिफेंस की टीम ने उतारा सुरक्षित, 1 से 51 में पुलिस ने किया पाबंद। आज दिन के समय किशनगंज थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि कोटड़ा में एक मसूदा निवासी महेंद्र हाईटेंशन लाइन के टावर पर चढ़ा हुआ है। मौके पर पुलिस जाब्ता पहुंचा, सिविल डिफेंस की टीम भी पहुंची और युवक को टावर के चारों तरफ जाल बिछाकर सुरक्षित उतारा गया। मामले में पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका साला लड़की भगाकर लाया था, लेकिन इस मामले में मसूदा पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी को लेकर वह शराब पीकर टावर पर चढ़कर जान गंवाने की धमकी देने लगा। पुलिस द्वारा युवक को एडीएम सिटी के समक्ष पेश किया जाएगा। आज सुबह कोटड़ा कच्ची बस्ती में एक हाईटेंशन लाइन पे किसी व्यक्ति के चढ़ने की सूचना मिलने पर पूरे स्टाफ के साथ सिविल डिफेंस को और एवीवीएनएल को सूचना देते हुए हम लोग वहाँ पहुँचे। पहुँच के देखा कि हाईटेंशन उस पे खंबे पे एक व्यक्ति चढ़ा हुआ था जिसका नाम महेंद्र उर्फ महमूद काठा सन ऑफ रहमान काठा थे। वो मसूदा के उत्थपी का रहने वाला था और उस व्यक्ति वो शराब के नशे में वहाँ ऊपर चढ़ के मरने की धमकियाँ दे रहा था। जब उससे पूछा गया कि उसको क्या आपत्ति है तो उसने कहा कि मसूदा थाने में मेरे साले के द्वारा कोई लड़की भगाए जाने की जो मुकदमा दर्ज है उसमें सही कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर उसको समझाइश की, सिविल डिफेंस की मदद से चारों तरफ खंबे के चारों तरफ जाल बिछा के इसको सुरक्षित उतार के और चूंकि ये अपनी जान देने पर आमदा था इसलिए इसको शांति भंग में गिरफ्तार करके एडीएम सिटी साहब के समक्ष पेश किया जाएगा। सर कर्ज को लेकर सामने नहीं, कर्ज की कोई बात सामने नहीं आई है। इसने ये कहा कि साहब मेरे जो साला जो लड़की भगा के लाया है उसकी हमारे सामाजिक तौर से जो झगड़े की राशि जो चुकाई जाती है उस झगड़े की राशि को लेन देन को लेकर इनके विवाद है और जो लड़की के जो घर वाले हैं वो बार बार मसूदा थाने में रिपोर्ट हमारे खिलाफ देते हैं। इस कारण से वे परेशान होकर मैंने ये कदम उठाया।